हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो है मैं और सैम आए हैं बाहर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अफ्तारी। अफ्तारी क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट शॉर्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। और आज हमारे साथ फिर से हाथ हो गया, मेरे हस्बैंड फिर निकल गए बाहर अफ्तारी करने, तो मैंने कहा मैं पागल हूँ, मजाक हो रहा है हमारे साथ, हम भी बाहर खाएंगे। सो सैम ने जो है अपने वॉलेट में से निकाले कैश, कोई मेरे हाल तकरीबन 100-100 की गड्डी निकल ली। सैम ने निकाले 100-100 के दो नोट। मैं बोल रही थी हम इतना कितना खाएंगे, बोल रही हम सब खाएंगे। फिर मैं सैम को कह रही हूँ कि सैम मैं पे कर दूंगी, तो सैम आगे थोड़ी कितना काट चलाओगी। तो आज कभी मेरी तरफ से भी रहना चाहिए ना। तो आज सैम मुझे लेकर आई है दावत पे इफ्तार की। हस्बैंड तो निकल लिए, लेकिन पूछा उन्होंने फोन करिए, गलत बात है, किसी के बारे में ना झूठी बातें नहीं फैलाते हैं। सोचो बोलने से हाँ, उनकी अभी भी मेरे पास कॉल आई थी, बहुत मुझे कह रहे थे तुम जाके बाहर बुफे में जाके इफ्तार करो, लेकिन अपने को आदत ही नहीं है कि किसी ने कोई चांस दे दिया तो उसके पैसे लुटा दो, उड़ा दो। ये भी गलत चीज है। तो बस गए, सब हम लोग यहाँ पर आए हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी कर नमाज वमाज तो नहीं होगी? नहीं, अभी और गाइस ये देखिए पीछे कितना प्यारा बैकग्राउंड मिल रही है, लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है। रोजे में ना इंसान को ठंडी जगह पे बैठना चाहिए। कैसी शक्ल हालत हो रही है मेरी, खूबसूरत लग रही है। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे फ्यूचर से मिलना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को अपना फ्यूचर दिखाना चाहती हूँ कि मैं 50 साल की होके कैसी लगूँगी। गाइस ये मैं फ्यूचर से बात कर रही हूँ, और मैं बहुत बड़ी व्लॉगर बन गई हूँ फ्यूचर में। और ये देखिए मैंने कितना प्यारा मेकअप किया है, मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। और मैं आपको अपने जो है ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलाती हूँ। और अगर आप लोग सैम का बुढ़ापा देखने चाहते हैं, मेरा बुढ़ापा सही से आ रहा है। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहरी बनाने, और जहरी बनाने के लिए मैंने कबाब निकाल दिए थे पहले से ही। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं जहरी बनाना, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जहरी बनाने के, लेकिन चलें बनानी तो है। गाइस ये बहुत बहुत अच्छी लाइट्स है, ये देखें। अब मैं अपना फ़ोटोशूट इसी लाइट पे आके करवाऊंगी। सो गाइस, मैंने डिसाइड किया कि मैं सहरी में मैं कोई पराठे नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी फ्रोज़न पराठे। गूंदने का नहीं कर रहा हो आप लोगों का दिल, पराठे बनाने का नहीं दिल कर रहा हो, तो आप लोग फ्रीज़र खोलें, फ्रोज़न पराठे निकालें और उसको जल्दी से बनाएं। खाना खाने से मतलब होना चाहिए, इंसान को खाना चाहिए, अब वो फ्रोज़न हो या वो जैसा भी हो, उससे कोई मतलब you know. गाइस ये पराठे बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखें, आखिरी अशरा सुकून में गुजारें, अपने आप को रिलीफ दें और घरों में ये पराठे बनाना इस्तेमाल करें। तो गाइस देखते हैं ये फ्रोज़न पराठा कैसे बनता है। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है घी ऐड किया, क्योंकि घी नहीं डाला तो फिर पराठा पराठा ही नहीं हो। ये देखें गाइस, 2 मिनट में ये पराठा तैयार है। क्या ज़रूरत है बिला वजह अपने आप को थकाने का, आटा गूंदने का, बस ये पैक निकालें, घी डालें 1 चम्मच और पराठा इस रेडी। सबसे सेल्फ सेटिस्फाइंग काम लगता है मुझे, मेरे किचन में अब तक की फेवरेट चीज़ ये है, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे रेडी हो गया सब कुछ,
दिल कर रहा है कि बस अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूँ और सब पक जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, खुद ही बनाना है। इसको फोड़ते हैं गाइस, क्या करें, इसकी भी ज़िंदगी कुछ अजीब सी है, इसको फोड़ना पड़ता है जैसे हमारी ज़िंदगी हो रही है, इसी तरह इसी की हो रही है।